लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार्केटिंग चैनल्स की इम्पोर्टेंस. हमने डिस्कस की थी मार्केटिंग चैनल पहले डिफाइन किया होते क्या है, उसके बाद उनके इम्पोर्टेंस हमने चेक की, उसके बाद हमने डिफरेंट उनके फंक्शंस और रोल्स हमने जो है वो पढ़े. उसके बाद जो है वो हमने उसका वो देखा, डिफरेंट लेवल्स देखे. आज हम जो है यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. डिजाइनिंग ए मार्केटिंग चैनल सिस्टम. मार्केटिंग चैनल सिस्टम डिजाइन करने के प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना पड़ता है. कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिकल मूव्स हैं जो हमें पहले टेकअप करनी पड़ती हैं बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ चैनल. सबसे पहले तो उसमें है एनालाइजिंग कस्टमर नीड. सबसे पहले हम कस्टमर नीड को एनालाइज करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या हमें वो कस्टमर की नीड एनालाइज करनी चाहिए. इस तरह ये चीज़ तो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अपने मार्केटिंग के हवाले से जो सी भी डिसीजन मेकिंग करनी है, योर कस्टमर शुड बी योर फोकस्ड, योर कस्टमर शुड बी योर सेंट्रल पॉइंट. कि आपके जितने भी जो सोच है, सोच का दायरा कस्टमर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर आपका कस्टमर नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस भी नहीं रहेगा आपका. अच्छा, अब कस्टमर की नीड जो है वो उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं. जैसे सबसे पहला है लॉट साइज. आपका जो कस्टमर है या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसकी उसको आपकी प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है वन गो में. वन गो से मुराद ये है कि अगर उसने आपकी प्राइस प्रोडक्ट परचेज करनी है तो उस प्रोडक्ट के परचेज करने में उसको जो है वो उसने कितने यूनिट परचेज करने हैं. इधर जो एक बार परचेज करने जाता है तो वो सिर्फ एक यूनिट परचेज करता है, दो यूनिट परचेज करता है, या 20 परचेज करता है, 100 परचेज करता है. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर इन मार्केट यू आर ट्राइंग टू ऑपरेट. क्या वो कंज्यूमर मार्केट है या बिजनेस मार्केट है. हम सबको पता है कि बिजनेस मार्केट में जो है हमारा जो कस्टमर है उसने हमसे बल्क में चीज़ें परचेज करनी होती हैं, और कंज्यूमर मार्केट में जो हमारा कस्टमर है उसने थोड़ी क्वांटिटी में अपने सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें परचेज करनी होती हैं. और इसको हम कंपेयर करेंगे कि कस्टमर की नीड के हिसाब से कौन सा जो कस्टमर कितना लॉट साइज उसको चाहिए हमारी प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से हमें जो है ना अपना चैनल जो है ना वो सिलेक्शन करना होगा, डिज़ाइन करना होगा. वेटिंग एंड डिलीवरिंग टाइम, डिलीवरी टाइम. प्रोडक्ट जो है जब उसमें कस्टमर ने अगर रिसीव करनी है या उस तक पहुंचनी है तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको उसके ऑर्डर करने के अंदर, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग के अंदर, उसकी डिलीवरी के अंदर. ये भी आपने देखना है कि कितना टाइम जो है आपका कस्टमर अलाउ करेगा, कि वो कितना टाइम जो है वो बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है कि हाँ इतना इतना इंतज़ार मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा इंतज़ार मैं नहीं कर सकता. ये भी कस्टमर की नीड जो है एनालाइज करने के जिम्मे में आता है. इसके बाद है स्पेटियल कन्वीनियंस. ठीक है, स्पेटियल कन्वीनियंस से मुराद ये चीज़ है कि प्रोडक्ट रिसीव करने का जो प्रोसेस है आपकी जो चैनल आप यूज़ करना जा रहे हैं या जो चैनल करने जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो जो उसकी वहाँ पे जो सेप्टिल इन्वायरमेंट है वहाँ पे वो कितना सपोर्टिंग है. सेप्टिल इन्वायरमेंट से मुराद अगर तो वो वेबसाइट से वो आप वेबसाइट के जरिए चीज़ें सेल कर रहे हैं तो वो जो है वेबसाइट कितनी इजी है या कम्प्लेक्स है, कस्टमर के लिए कितनी आसानी है आपके उस चैनल के अंदर. अगर वो आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं तो फैक्ट्री से जाके चीज़ परचेज करनी है अगर कस्टमर ने, तो वहाँ पे उसके लिए कितनी आसानी है. वहाँ पे आउटलेट में जा रहे हैं या डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये आती हैं सेप्टिल कन्वीनियंस के अंदर आती हैं. प्रोडक्ट वैरायटी, आपका जो कस्टमर है उसको आपके प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी रिक्वायर्ड है, और कौन सा चैनल जो है वो कितनी प्रोडक्ट वैरायटी को सपोर्ट कर सकता है. अगर आप मिसाल के तौर पे 15 किस्म की प्रोडक्ट्स आप लोग बना रहे हैं तो आप लाजमी नहीं कि जो चैनल आप एक सिंगल चैनल आप यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उनकी असॉर्टमेंट को, उनके फ्लो ऑफ गुड्स को, फ्लो ऑफ पेमेंट्स को, उन सब चीज़ों को जो है वो टैकल करें, ये लाजमी नहीं है. दूसरा सर्विस बैकअप और प्रोडक्ट वैरायटी. अच्छा, प्रोडक्ट वैरायटी में एक तो ये चीज़ थी, दूसरा एक और चीज़ है इसमें वो ये चीज़ आती है कि
आप लोग जो है बल्कि वो नेक्स्ट सर्विस बैकअप में आएगी चीज़ के सर्विस बैकअप में, कि इन केस आप का जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर की वो अप टू मार्क परफॉर्म नहीं करती, तो जो क्लेम्स के प्रोसेस हैं, जो उसमें वारंटी है या गारंटी है, वो भी क्या पॉसिबल है चैनल के जरिए या नहीं। इसके अलावा आप जो चैनल भी यूज़ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्या कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक कस्टमर को चीज़ें उधार पे भी मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, और उसमें जो इंश्योरेंस वगैरह है या इस तरह की चीज़ें हैं कि आप जो चैनल यूज़ कर रहे हैं या करने का प्लान रख रहे हैं उसमें कस्टमर की जो सर्विस बैकअप के हवाले से जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखा जाता है या नहीं देखा जाता। उसके बाद सबसे पहले आपने कस्टमर की नीड को देख लिया, देन आ जाता है एस्टेब्लिशिंग चैनल ऑब्जेक्टिव, कि जो भी चैनल आपने चूज करना उसके चैनल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपने जो फ्यूचर में आपने जो अचीव करने की कोशिश करनी है। अब चैनल्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरी चीज़ भाई यहाँ से मेरे से ले, मेरी चीज़ मेरे से ले कंज्यूमर तक फटाफट पहुँच जाए। दूसरा ये है कि मेरी जो प्रोडक्ट है इट रिक्वायर्ड सम स्टोरेज, तो कस्टमर तक चीज़ पहुंचने के साथ साथ स्टोरेज की फैसिलिटी वो भी जो है ना अवेलेबल हो चैनल के अंदर। इसमें एक और जो चीज़ें हैं कि जो चैनल ऑब्जेक्टिव है कि वो चैनल चूज करें जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। ये डिफरेंट किस्म के चैनल ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं अपने उसके लिए वाइल डिजाइनिंग योर चैनल सिस्टम। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स। आपने अपने जो जब ये सारी स्ट्रेटजी बना रहे हो ना, तो आपने देखना कि आपके पास चैनल्स बना के अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं। इधर जो है आप सिर्फ सिंगल चैनल यूज़ करेंगे या हाइब्रिड चैनल जो है यूज़ करेंगे। अब सिंगल में भी है कि जी आपने ऑनलाइन यूज़ करना है या रिवायती करना है, रिवायती करना है तो उसमें वो कितने लेवल है, 0 लेवल है, 1 लेवल है, 2 लेवल है और 3 लेवल है, ठीक है। उन सबके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो आप लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई मेजर चैनल अल्टरनेटिव। उसके बाद आप उन्हीं जो आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं अपने चैनल्स, उसको बाद में फिर आप लोग अवेल्यूएट कर लेते हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स देखने की मैं बात कर रहा था कि आप लोग उनको अवेल्यूएट करते हैं कि जी सबसे ज़्यादा जो कौन सा ऐसा चैनल है या कौन सा ऐसा चैनल सिस्टम है जो कि हमारे मार्केटिंग चैनल सिस्टम उसमें कस्टमर नीड को पूरा करेगा और साथ साथ एस्टैब्लिशिंग जो हमारे चैनल ऑब्जेक्टिव हमने एस्टैब्लिश किए थे उनको हमें पूरा करेगा। तो इस बेस पे आप लोग उसको एवेल्यूएट करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चैनल ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी उसमें डिटेल हैं कि जब चैनल आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं आप लोग अल्टरनेटिव, उसमें आपने देखना है कि आपके कितने इंटरमीडियरीज कितने किस्म के अवेलेबल हैं, या आपके ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे आप जी थ्रू टेलीफोन भी चीज़ सेल हो जाती है, डायरेक्टली भी चीज़ सेल हो जाती है, थ्रू बैंकिंग सेक्टर भी चीज़ें सेल होती हैं, थ्रू रिटेलर्स होलर, आपके पास कितने किस्म के इंटरमीडियरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, पहले था कि कितने किस्म के अवेलेबल हैं, उसके बाद है नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज। नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज में नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ मैं। नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज की बात करें, आपकी 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट से मुराद ये चीज़ है कि आपके एक्सक्लूसिव का लफ्ज़ी मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत कम अवेलेबल हो, उसका लफ्ज़ी मतलब ये है। आपने सिर्फ अपने ही आउटलेट्स बनाई हुई हैं आपने, और उन्हीं आउटलेट्स पे आप लोग सिर्फ अपनी चीज़ें सेल करते हैं, या बहुत जो है वो बहुत रेयर और बहुत कम आपने अपने आउटलेट्स और स्टोर्स बनाए हुए हैं हर जगह पे नहीं, आप कस्टमर को इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इतना इजीली और इतना फ्रीक्वेंटली, ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या ऐसे नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि आप कंपैरेटिवली आप एक्सक्लूसिवनेस से आगे आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, और आप अपने जो ऑथोराइज्ड डीलर हैं आपके जो ऑथोराइज्ड डीलर हैं आप उन्हीं को जो अपने जो है ना वो प्रोडक्ट्स अपनी सेल करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पर कार्स सेल करते हैं, अब जो कार्स सेल करते हैं
वो जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे अपने जो स्टोर है, जो आउटलेट है वहाँ पे सिर्फ अवेलेबल होगी। जो हमारा अपना कोई वो शोरूम बनाया हमने, तो वहाँ पे सिर्फ अगर होगी, जैसे टोयोटा का शोरूम है, होंडा का शोरूम है, अगर सिर्फ वहाँ पे वही गाड़ी अवेलेबल होगी तो सब लोग कहेंगे ये हमारी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद अगर हम सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में कि जी हमारे जो हम सिर्फ जो अपने पेट टोयोटा के या होंडा के शोरूम में सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा हमने शहरों के अंदर डिफरेंट डीलर्स हैं, हमने उनको भी जो है वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, हमने उनको भी अपनी प्रोडक्ट्स सेल करने की इजाज़त दे रखी है, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम। ठीक है, तो ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि आप लोग, आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरीज को यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है, आप लोग चलते फिरते डेली बेसिस पे देखते हैं, वो ये होता है कि आपकी जो ग्रॉसरी की आइटम्स हैं वो हर किराने की दुकान पे मिल जाती है। आपके गली मोहल्लों में जो है ना मल्टीपल सप्लायर होते हैं डिटर्जेंट के, गली मोहल्लों में मल्टीपल सप्लायर हैं आपके चीनी के, गली मोहल्ले मोहल्लों में मल्टीपल सप्लायर हैं आपके पत्ती के वगैरह वगैरह। अब ये जो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसमें आपके नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चैनल मेंबर्स, ये सारा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि अपने मेजर जो चैनल्स के ऑल्टरनेटिव है वो हम अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वो हमने उसकी जो अब लास्ट इज है प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी में अब जो चैनल मेंबर मैंने बताया था, चैनल मेंबर होते हैं कि आपके जो चैनल सिस्टम है उसमें जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आप खुद हैं, मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो दरमियान में के मिडल मैन हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन सब का हम लोग बोलते हैं वो हमारे चैनल मेंबर हैं। अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टर्म्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइस पॉलिसी के जो मैन्युफैक्चरर है या जो सप्लायर है उसकी जो प्राइस पॉलिसी है वो स्टेटेड होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो दरमियान में मिडल मैन है उनको पता होना चाहिए कि मैं जब इस बंदे की प्रोडक्ट सेल करूंगा तो उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना मुझे मिलेगा। ऐसा ना हो कि जी मैं उसकी प्रोडक्ट जो है ना एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं जी वो 100 रुपये का इजी लोड कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार 100 रुपये का इजी लोड करता हूँ तो मुझे उस पर जो है ना बचते हैं मुझे 2.5 रुपये बचते हैं, दूसरी बार जो 100 रुपये का इजी लोड करता हूँ तो उस पर मुझे जो है ना 1.5 रुपये बचता है। अगर जी मेरी जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, मैं रिटेलर की बात करूँ, रिटेलर के प्रॉफिट की प्राइसिंग पॉलिसी स्टेटेड नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इस केस में आपके जो दरमियान में जो मिडल मैन है, मिडल मैन के लिए ये चीज़ डिस्टर्बेंस का बायस बनती है। कंडीशन ऑफ सेल, कंडीशन ऑफ सेल में ये चीज़ आ जाती है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इसमें कितनी प्रोडक्ट सेल होंगी, तो क्या उस पर कुछ स्पेशल इंसेंटिव या ऐसी कुछ चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसमें बाकी और चीज़ें ये भी आ जाती हैं कि आप थोड़ी सी उसमें वो देते हैं, अपने जो मिडल मैन है उसको ये राइट देते हैं कि जी आप रेगुलरली तो मेरे से जो चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको इतनी की प्राइस दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है मेरी प्रोडक्ट का तो मैं आपको उसके ऊपर कोई डिस्काउंट भी दे दूंगा। मैं कंडीशन ऑफ सेल में एक और चीज़ भी आ रही है कि जैसे अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई भी जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल लें, अब एक सारा कैशन कह रही है मिसाल के तौर पे नारवल में, उसने वो भी टूथपेस्ट सेल कर रहा है, वो भी डायपर सेल कर रहा है, वो भी डिटर्जेंट सेल कर रहा है, लेकिन जो जिस प्राइस पे उसको जो है डायपर्स मिलते हैं, सेम कंपनी के डायपर्स जो हैं वो छोटे किराने वाले को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनकी जो कंडीशन है, सेल की जो कंडीशन है वो उनकी डिफरेंट है उनकी। अब वो उसके लिए लॉट साइज की हमने पहले बात की थी, सारा कैश एंड कैरी का लॉट साइज बड़ा है, एक आम छोटे कराने वाले का जो लॉट साइज है वो छोटा है। ठीक है, तो इस तरह लॉट साइज और इस तरह मल्टीपल और भी फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो तय होती हैं बिटवीन चैनल मेंबर्स के जी व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीजें भी आ जाती हैं कि कल को अगर कोई चीज खराब हो जाती है या पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है तो क्या वो चीज वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी या नहीं जाएगी। इसके भी एग्जांपल अगर आप लोगों में से अगर किसी का चीज का एक्सपीरियंस हो कि ये जो ग्रोसरी की आइटम्स होती हैं हमने बताया चीज नहीं बिकती, पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो आमतौर पर अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं वो उस एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को वापस लेके तो या तो उस मिडल मैन को पेमेंट कर देते हैं वापस,
ये पेमेंट नहीं करते तो उसके बदले उसको नई चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें इसको एक्सपायर प्रोडक्ट पड़ी रही यहाँ पे तो नुकसान तो दुकानदार का है, और दुकानदार जो है ना अगर हम उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो ये हमारी चीज़ यहाँ पे रखना छोड़ देगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर्स टेरिटोरियल राइट्स। ये आमतौर पे आपने फ्रेंचाइज का वर्ड सुना होगा। फ्रेंचाइजिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग अपने चैनल मेंबर्स की जो के जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह इन चीज़ों को हम सब लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं इसके अंदर। आपने जब जो सा भी चैनल मेंबर आपने सेलेक्ट करना है उनको सब चैनल मेंबर्स उनके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बताना चाहिए। अब फ्रेंचाइजिंग है, लाइसेंसिंग है, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं इसके अंदर, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अगर तो आपने अपने टर्म एंड कंडीशन में ये चीज़ लिखी है कि जो नारवल सिटी है, नारवल जो म्यूनसिपल जो सिटी है वहाँ पे जो मिस्टर ए है सिर्फ ये हमारा जो है ना ऑथोराइज डीलर है, यहाँ पे सिर्फ ये सेल करेगा, जो मिस्टर बी है वो जी वो जफरवाल सिटी में, और मिस्टर सी जो है वो शकरगढ़ सिटी में। अब मिस्टर सी जो है वो नारवल में आके जो है ना वो अपनी चीज़ से अपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, हालांकि प्रोडक्ट पीछे बैकग्राउंड भी है कि कंपनी की है, लेकिन मिस्टर सी नारवल में आके सेल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इससे मिस्टर ए जो है उसका जो मार्जिन उसका जो शेयर है वो उसको हम कैनिबलाइज बोलते हैं, कैनिबलाइज होने की यानी कि खा जाने की चांसेस होते हैं कि जो मिस्टर सी मिस्टर ए का शेयर खा गया, इसी तरह ना मिस्टर ए किसी के और पास जा सकते हैं। अब जिस बंदे को आपने राइट दिया है किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के, वो उस राइट को मैक्सिमम तौर पर पूरे तरीके से इंजॉय करने से मुराद इसको एक्सरसाइज करे। उसके बाद है म्यूचुअल सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो जितने भी चैनल मेंबर्स हैं इनकी म्यूचुअल सर्विसेज एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी पहले आप लोग डिजाइन करते हैं, सेट करते हैं, वो कौन कौन सी है। इसमें एक तो मैंने जैसे आपको वो क्लेम्स का बता दिया, दूसरा ये भी होता है कि जी हमारे बिहाफ पे हमारी प्रोडक्ट को जो मिडल मैन है वो प्रमोट करेगा कस्टमर के सामने, कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेके हमें प्रोवाइड करेगा, कस्टमर की डिमांड और डिमांड हमें बताएगा, उसके बाद जी जो शेल्फ स्पेस के ऊपर हमें जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंश्योर करेगा। ये डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट चैनल मेंबर्स जो हैं वो मिल के उस चीज़ों को पहले एड्रेस कर लेते हैं इन इशूज़ को। अब आ जाता है इसका एवेल्यूएशन का क्राइटेरिया कि जो हमने चैनल ऑल्टरनेटिव्स हमने डिस्कस किए थे, हमने जो चैनल मेंबर्स हम चैनल ऑल्टरनेटिव हमने अभी आइडेंटिफाई किए थे, अब उनको हमने एवेल्युएट करना है। अब इसको एवेल्युएट से मुराद हम फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि विच चैनल सिस्टम वी आर गोइंग टू डिजाइन। अब इसमें एवेल्युएशन में हमने सब एक तो चीज़ें हम लोग देखते हैं कंट्रोल एंड अडैप्टिव क्राइटेरिया के, जो जितने भी चैनल्स के सिलेक्शन के जो ऑप्शन हमारे पास हैं उसमें कितना कंट्रोल अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर को, कितना कंट्रोल है उसके ऊपर जो मिडलमैन है उनको, और कितना कंट्रोल जो अदर जो इनडायरेक्ट इंटरमीडियरीज है उनको है। अब इसमें ही देखें अगर तो जिस तरह मैं टोयोटा के शोरूम की बात कर रहा था, टोयोटा हमारी सिर्फ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर जो है हमने हमारा स्टोर कैसा बनना चाहिए, अब उस शोरूम में जो है कि वहाँ पे स्टोर का लेआउट कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए, कौन सा गाड़ियों का मॉडल आगे खड़ा होना चाहिए, कौन सा गाड़ियों का मॉडल पीछे खड़ा होना चाहिए, अच्छा प्राइस जो है प्राइस कितनी चार्ज करनी है हमने उस गाड़ियों की जो दरमियान मिडल मैन है। अगर तो ये इस चीज़ों का ज़्यादा इख्तियार मैन्युफैक्चरर के पास है तो मतलब मैन्युफैक्चरर जो इन चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों का अगर ज़्यादा इख्तियार जो डीलर है जो सेलर है उसके पास है तो वो जो है ना ज़्यादा अपनी चीज़ को अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अब इसमें अब सारा का सारा इख्तियार ना मैन्युफैक्चरर के पास हो सकता है ना टोटल जो इख्तियार है वो आपके जो सेलर हैं सेलिंग पार्टीज हैं उनके पास हो सकता है, अगर हम लोग वन लेवल टू लेवल और थ्री लेवल हम लोग चैनल सिस्टम यूज़ करने की जा रहे हैं या वैल्यूएट कर रहे हैं। अब इसमें आपने देखना कि कितना इख्तियार एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को देना है, अगर एक पार्टी टोटल अख्तियार दूसरी पार्टी को दे देगी तो उस केस में उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी, और देर आर चांसेस कि कल को उसका जो प्रॉफिट्स हैं या उसके जो मार्जिन्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए एक सर्टन लिमिट तक कंट्रोल हर पार्टी के पास होना चाहिए। और दूसरा अडेप्टिव क्राइटेरिया से मुराद है कि कल को अगर मैं कुछ चेंज लेके आना चाह रहा हूँ अपने इस सिस्टम के अंदर कुछ चेंज लेके आना चाह रहा हूँ तो क्या चेंज भी लाए ये चैनल के अंदर चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे मिसाल के तौर पे
पहले जो है एक कोई भी एक मिस्टर ए है वो मेरी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा था एज ए मिडल मैन, ठीक है। अब मैंने कुछ नई प्रोडक्ट्स भी मैंने लॉन्च की हैं, तो क्या वो मेरी नई प्रोडक्ट्स को भी उसी चैनल के जरिए उसमें उनको इनकॉर्पोरेट कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर तो वो कर सकता है, इसका मतलब है वो चैनल अडैप्टिव है। अगर तो वो चेंज नहीं उसके अंदर एडजस्ट हो सकता है, इसका मतलब है मेरा चैनल जो है वो अडैप्टिव नहीं है। आपने ये भी चेक करना है कि अडैप्टिबिलिटी की कितनी टेंडेंसी है आपके इस जो चैनल है, आपका चैनल सिस्टम जो आप वैल्यूएट कर रहे हैं उसके अंदर कंट्रोल एंड अडैप्टिव क्राइटेरिया, इस चीज़ को आपने देखना है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया जैसे टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इकोनॉमिकली वो चैनल कितना सूट आपको करता है, इकोनॉमिकली प्रॉफिट्स के हिसाब से, सेल के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से कौन से चैनल को यूज़ करते हुए अगर करते हैं तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, ये भी आपने देखना है। उस कॉस्ट पे करने के एवज आपकी आपकी सेल कितनी होगी और जो टोटल सेल और टोटल रेवेन्यू है उसमें से आपके प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, ये सारा का सारा जो एनालिसिस है उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा इकोनॉमिक क्राइटेरिया। देन इसके बाद आ जाता है ये उसी इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ही मजीद समझने के लिए एक चार्ट है, आप लोग ये देखें। इसके में जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास है वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे तीन तरह के जो है ना वो आप लोग वो देखते हैं, तीन हमारे पास है नीचे ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी है और डायरेक्ट सेल चैनल भी है। अब इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल से मुराद ये है कि आप लोग वो वाले चैनल्स जिसमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस जो कॉन्टैक्ट है, कस्टमर के साथ जो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है वो पहले कम होता है। आस्ते आस्ते आप रिटेल सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो जो है वहाँ पे आपका जो पहले आपका जो रब्ता था कस्टमर से वो सिर्फ फेस टू फेस नहीं था हो रहा, वो टेलीफोनिकली या थ्रू इंटरनेट उन चीज़ों से हो रहा था। लेकिन अगर इनडायरेक्ट चैनल दरमियान में रिटेल स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये जब लोग आ जाते हैं तो फिर तो हमारा कस्टमर से डायरेक्ट रब्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाता है मैन्युफैक्चरर का। इसके बाद डायरेक्ट सेल फोर्स से मुराद है कि कंपनी की अपनी सेल फोर्स है जो कि कस्टमर जो कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को सेल करती है। अब इसमें देखें वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू एडिड टू सेल या वैल्यू एडिड ऑफ सेल है। आप जो जो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल से आप लोग डायरेक्ट सेल चैनल की तरफ जाएंगे तो आप कि जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर वो आपकी हाई होती जाएगी। अब इंटरनेट पे आपकी जो वैल्यू ऐड करते हैं और जो आपकी कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन है, जो कि कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, वो आपकी सबसे मिनिमम इंटरनेट पे है। वहाँ पे क्या चीज़ आपकी जो है ना सिर्फ बनी चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन आप उसमें कोई मजीद वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, कोई उसमें अंदर आप कस्टमर के जो है डोरस्टेप पे जाकर शॉप नहीं बना रहे, आपके स्टोर में चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ से इंटरनेट पे चीज़ कस्टमर ने ऑर्डर की और चीज़ आप कस्टमर के घर पहुँच गई, ना दरमियान में कोई मिडल मैन आया ना कोई दरमियान में कोई और इस तरह की चीज़ आई। टेली मार्केटिंग थ्रू टेलीफोन, अब उसमें यह है कि कस्टमर को थोड़ी बहुत उसमें जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, कॉस्ट पर इसलिए ज़्यादा होती है समटाइम होता है कि वी हैव टू वेट जो है कि हमारी जो कॉल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करते करते काफ़ी वेट करना पड़ता है, वो कहते हैं जी वेट करें सारे ऑपरेटर बिजी हैं वगैरह वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। अच्छा अब इसमें वैल्यू एडेड सर जो सेल वो इंक्रीज़ कैसे होती है, वैल्यू जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वैल्यू इसमें ऐसे इंक्रीज़ होती है कि कस्टमर हमसे हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूछ लेता है कि जी वो जो सेल जो टेली मार्केटिंग का जो ऑपरेटर है वो हमसे कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूछ लेता है कि सर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लाइक कलर के हिसाब से, वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से हैं चीजों की तो मैं बता दूं, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह जो जो आप लोग आगे चलते जाएं तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाती है पर ट्रांजैक्शन और आपकी वैल्यू जो एडिशन है वो भी इंक्रीज होती जाती है। अब ये व्यू दिखाने का मकसद ये है कि अब एक जो रैशनल और लॉजिकल जो बिजनेसमैन है या जो मार्केटर है उसकी कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम कॉस्ट में पर ट्रांजैक्शन में मैं मैक्सिमम वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड करूं, कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम वैल्यू जब प्रोवाइड करूंगा उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो ये मेरे प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगी। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो की है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की, जिस बिजनेस का कस्टमर सक्सेसफुल नहीं है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। आपने देखना कि ऐसे कौन से मीन्स हैं, ऐसे कौन से ज़राए हैं, ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग
जो है वो अपने उसको कर सकते हैं, कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर। अच्छा, अब ये ब्रेक इवन कॉस्ट चार्ट है। अब इसमें दो चीजें जो है वो दो हमारे पास ऑप्शन है चीज को सेल करने के हवाले से। एक तो ये है कि कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने चीज खुद सेल कर रहा है, ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर सेल एजेंसी, और दूसरे एंड पे लिखा हुआ कंपनी सेल फोर्स। ये कंपनी सेल फोर्स से मुराद ये है कि दरमियान में कोई मिडल मैन है, कोई इंटरमीडियरीज है, हम उनके जरिए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। वो सेल एजेंसी भी हो सकती हैं, डीलर भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब इसमें देखें जो जो सेल इंक्रीज होती है आपकी वर्टिकल एक्सिस पे आपका जो है वो चीज को सेल करने की कॉस्ट है। जिसे आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग अगर पढ़ी है तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वो इसमें आती है। दूसरी एक्सिस पे बात करें तो लेवल ऑफ सेल है कि जो जो सेल आपकी इंक्रीज होती है उसके साथ साथ आपकी जो जो कॉस्ट है वो भी एक खास हद तक इंक्रीज होती है। अब ये कंपेरिजन करना है हमने कि आइदर अपने बंदों से प्रोडक्ट सेल करवाते रहना अपने एम्प्लॉय से वो ठीक है, या दरमियान में मिडल मैन को इन्वॉल्व कर लें वो ठीक है। अब ये एक एनालिसिस है, कंपैरिजन है। आप लोग ये देखें कि ये जो मैन्युफैक्चरर सेल एजेंसी है वो कर्व जो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उसमें देखें कि पहले आपकी जो सेल है, सेल जब कम है तो आपकी कॉस्ट जो है वो आपकी कॉस्ट भी आपकी जो है ना वो कम है, लेकिन जो जो सेल इंक्रीज हो रही है जो जो सेल इंक्रीज हो रही है आपके देखें आपके कॉस्ट के अंदर ना एक ज्यादा वो आ रहा है, उसके अंदर इंक्लाइंड आ रहा है, उसके अंदर ज्यादा चीजें जो है ना वो स्पीड अप हो रही है उसके अंदर। अब वो आगे जाके जब ये एक लेवल है एस बी, एक जो लेवल यहाँ पे उन्होंने जो डॉटेड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, अब इसके अंदर जो इंक्लाइंड है वो ज्यादा है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं थ्रू इंटरमीडियरीज, ठीक है, उसके अंदर जो इंक्लाइंड है उसका उसका जो एंगल है उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट है उसका वो कम है। अब ये इस दोनों जो कर्व्स हैं, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं, अब इससे शो ये हो रहा है कि अगर आप लोग अपनी शॉप पे चीजें सेल करेंगे, ठीक है, अपनी शॉप पे चीजें सेल करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर सेल एजेंसी है जो कि आपकी जो मिडल मैन है वो देखिए वो नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं कि जी स्टार्ट में तो चाहे उनकी कॉस्ट कम है लेकिन एक खास लेवल तक जाके एस बी लेवल तक जाके आपके जो मिडल मैन है वो आपको महंगे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट जो है उनके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी, या जो है रेवेन्यू से ज्यादा तो नहीं होगी, उनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव में अगर हम लोग कंपनी की जो अपनी सेल फोर्स है, कंपनी अगर खुद चीज सेल करती है जो कि ऊपर वाला कर्व है जो स्टार्ट हो रहा है, तो वो पहले तो स्टार्ट में तो शायद आपको लगे कि वो कॉस्ट ज्यादा उस पर बेयर कर रहे हैं, लेकिन एक खास लेवल जो एस बी है उस एस बी लेवल पे जाके आपकी कंपनी की जो अपनी जो आपके अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एजेंसी अगर आप लोग हायर करते हैं। मैन्युफैक्चरर सेल एजेंसी की अगर बात करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज, मैन्युफैक्चरर सेल एजेंसी की बात करें तो स्टार्टिंग में दरमियान में अगर आपने कोई मिडल मैन यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट में तो हो सकता है आपको वो उनको डील करना उनको आपको सस्ता पड़े उनको, लेकिन एज कम्पेयर टू अपनी अपने सेल के नुमाइंदे यूज करते हुए, लेकिन इन लॉन्ग रन देखें तो इन लॉन्ग रन आपके अपनी आउटलेट्स जो हैं और आपके अपने जो स्टोर्स हैं वो इकोनॉमिकली आपको ज्यादा सूट करेंगे। जो एस बी लेवल है, एस बी लेवल से राइट साइड पे जाएं तो इसमें ये डायग्राम ये सजेस्ट कर रही है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स खुद ही सेल करे, लेकिन अगर आपकी जो सेल्स हैं आपकी जो यूनिट सोल्ड हैं वो एस बी लेवल से कम है अभी पीछे हैं तो तब आप इस लेवल तक आपको जो है दरमियान में मिडल मैन को यूज करना चाहिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और इस चीज़ से ये भी चीज़ हो रही है कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जब बिजनेस जब अपने इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर होते हैं, जब उनकी रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा नहीं होते तो तब तक जो है आप लोग दरमियान में मिडल मैन को और इंटरमीडियरीज को यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और लेकिन जब आप एक्सपैंड कर जाते हैं, आप ग्रो कर जाते हैं, मार्केट में अच्छी रिप्यूट बन जाती है तो आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के साथ खुद भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रफ सा सिर्फ स्केच है, अभी लाजमी नहीं कि चीज़ हर प्रोडक्ट पे अप्लाई हो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पर ये चीज़ अप्लाई होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। जैसे अब मैं आपकी जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स से मुराद आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं
बड़ी मशीनरी है, बड़े जो है वो फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है, उस केस में हो सकता है इसकी जो है वो एप्लीकेशन डिफरेंट हो। लेकिन अगर कंज्यूमर गुड्स हैं, लाइक जो डेली एफएमसीजीज हैं जिसे हम लोग फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, उस केस में इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो। लेकिन एक जो ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल व्यू उसका ये है, ये आपका इकोनॉमिक व्यू है किसी भी चैनल को या पॉसिबल चैनल के जो आपके पास ऑल्टरनेटिव है उसको एवेल्यूएट करने का।